सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो स्काई न्यूज़ पंजाब। तो मैं अमनीत सिंह, असीं खड़े लुधियाणा दे पंजाबी भवन दे विच। अज लुधियाणा कारपोरेशन दी अहम मीटिंग रखी गई, हाउस मीटिंग रखी गई, जिस विच समूह MLA लुधियाणे दे अते समूह कौंसलर साहिबान हाजरी भर रहे ने। मीटिंग दे विच हाउस मीटिंग रखी गई है। सो गलबात करदे हां की एजेंडा है मीटिंग दा, की बजट पास होया, की होया। ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ MLA ਆ ਇਹਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਡ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਈ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ, MLA ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖੇਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਊਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਨੂੰ, ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨੇਪਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਐਕਚੁਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆਈਟਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਦੇ ਆ ਕੀ? ਦੇਖ ਮੇਨ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗਾ, ਚਾਹੇ MLA ਵੱਲ ਸਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਸਤਰੀ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ MLA ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। MLA ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੋ ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ?
अजे लोगों ने जिस विश्वास न मुख रख के सू बदला लिया के सू चुने से पहरा देंदे हुए जिड़िया बेनिजमें से बजट के नवी तजवीज खिलाफ सख्त आवाज चुकी है जिमें किसी टीचा रखे गए थे किसी महकमे का भी 40 करोड़ इकट्ठा करना तो उत्थे 23 करोड़ इकट्ठा होया से जबकि नवी तजवीज 47 करोड़ की पाई गई थी तो वो इन्होंने सवाल जवाब हुए हैं भी अगर पहला टीचा तुम पूरा किया नहीं तो नवा 7 करोड़ तो बधा के कर रहे हो तो जो संबंधित अफसर ने जवाब दे भी देते कुछ अफसर ने उन्होंने संबंधी जी स्पष्टीकरण भी दिए कुछ हद तक उन्होंने सहमत भी हैं तो जड़िया कमियां पेशियां ने वो आपे दूर करेंगे। फिर गल हुई रेहड़ियां फड़ियां वाली दी कारां दे जिहड़े ठेके लेंदे ने गुंडा टाइप इंसान उन्होंने सख्त तालना की गई भी अगर कोई दोषी पाया गया तो वो सख्त खिलाफ भी करीती गई जिहड़े रेट तय किए जाएंगे तो जो जे लोगों इस लुट तो निजात मिल सके। फिर गल स्कूलों की करिए स्कूलों के संबंधी भी गल हुई है भी जी इन्नी वीडी लुट होंगी है वो बंद की जाए कि बजट पेश हो 22-23 का 22-23 का यह तो सारा ये जोड़ लाना पेगा ना जी हाँ जोड़ ला के थोड़ा मैं आंकड़े थोड़ा दे देना कापी दे देना जोड़ ला के चेक हो जूगा सारा तो मतलब आने वाले समय के जोड़े साडे लुधियाने शहरी ने उन्होंने बहुत वधिया जिहड़ा प्लेटफॉर्म मिलना बड़ी बड़ी सहूलत मिलनी चाहे पानी की दिक्कत ला लो चाहे बिजली की ला लो चाहे पार्कों की ला लो हर प्रकार की इन्हें जी सहूलत दे के जी लोगों जिस विश्वास इन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार लेंदी है वोदिया भावना से खरे उतर के सरकार को वधिया सहूलत दे दी। ठीक है आम आदमी पार्टी के MLA साढ़े नाल दलजीत सिंह गरेवाल भोला जी पिछली बारी जो हाउस मीटिंग हुई उदो तुसीं कौंसलर सीगे अज MLA सीट ते बैठे हो मैंबर के तौर पर किस तरह देखते हो? मैं पिछली बारी सीगा इस बारी नहीं सीगा ते इस बारी मेरी वाइफ कौंसलर ते अज सेवा वास्ते लोगों ने भेजा चाहे वह कौंसलर हो चाहे MLA हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो मकसद लोगों का बस सेवा करना तो आम आदमी पार्टी का मकसद आ सेवा करनी है तो वो साफ नीति करांगे असीं इकट्ठे होकर रल मिल के चाहे वह कौंसलर किसी भी पार्टी का हर पार्टी बाजी तो उपर उठ के अकाली भाजपा आम आदमी पार्टी का कोई इतने मकसद नहीं इस टाइम मकसद आ लोगों की सेवा करना इलाके की डिवेलपमेंट करना वह रल मिल के सारे का सत्कार रल मिल के करा दस सकते कि भी अज कौंसलर के MLA MO सामने हो गए से की गल सी वो कोई ऐसी गल नहीं हैगी कोई माड़ी मोटी गलत फहमी हुई है तो वो बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर शोपी MLA साहब साढ़े नाले MLA साहब की गल लोकन साहब पार्टी का थोड़े आमो सामने हो गए की मसला सी कोई आमना सामना नहीं गा ये लोगों ने एक दूजे का लोकतंत्र है एक दूजे को सवाल कर भी सकते हैं पूछ भी सकते हैं इस कोई गहमा गहमी वाली गल नहीं है जमानत जब्त तो फिर जो बंदे हुण इन्नी देर तो राजपाठ करते लोगों ने ता ही घर बिठाए उन्होंने जमानत जब्त हुई ने ता ही उन्होंने लोगों को इंसाफ नहीं दिता ना लोगों का विकास किया। बजट की खास रहा? खास यही है भी जो लुधियाना शहर के तरक्की और विकास लई होगा वो साथ देंगे पूरा निभा उस गल से।